मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर दिया बयान। अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में हैं विकास दुबे। गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं। क्रूरता की हदें शुरू से यह पार कर रहा था। इंटेलिजेंस की बात है, ज़्यादा कुछ भी कहना सही नहीं। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट पर रखा था। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे? इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, मध्य